अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे 17 मार्च 2021 की डायरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। हमारी आज की कंप्यूटर की डायरी है यूनिट नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है सी शार्प। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सी हैश प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। इट वॉज डिवेलप्ड प्राइमरली बाय एंडर हैजलसबर्ग। यहां तक करेंगे आप। उसके बाद सी शार्प has been accepted as a standard for web applications like Java. C sharp uses a just-in-time compiler, but its resulting code is called Microsoft Intermediate Language. यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैथ्स की डायरी Exercise 3B. For the guideline of maths exercise 3B, you can see the video of Kintop Publishers Mathematics 7, Chapter 3, Lecture Number 2. आपने इस exercise को अच्छे से solve करना है। अब हम पढ़ेंगे General Science की diary. Test exercise 2, short question 3, 4, 5. Question number 3 है, How will you differentiate inhalation from exhalation? आंसर के लिए आप खोलें पेज नंबर 13। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट है, When we inhale, the intercostal muscles and diaphragm flattens and moves downward. Exhalation, When we exhale, the intercostal muscles and diaphragm relax. यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस का सेकंड पॉइंट है, इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर, एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डायफ्राम? इसका आंसर है पेज नंबर 12 पे, द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल एट द बॉटम ऑफ द लंग्स। It controls the process of breathing and separates the chest from the abdominal cavity. हमारा last question है question number 5. Passive smoking leads to lungs cancer. How? इसका answer है, in passive smoking, the smoke of cigarette enters into lungs and destroys lung cells as same as in case of active smoking. यहाँ तक हमारा आज का जनरल साइंस का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं।